आज मैं आपके साथ टीनेज लेजी गर्ल्स मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ विद गोलूमोलू स्पेक्स के साथ। ये वाला मेकअप टीनेज गर्ल्स ही नहीं, ऑफिस, स्कूल एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स भी कर सकती हैं। मेकअप शुरू करने से पहले स्किन केयर कर लेते हैं। लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइजर मैं अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करूँगी, क्योंकि टीनेज गर्ल्स और स्कूल कॉलेज ऑफिस गोइंग गर्ल्स को घर से बाहर निकलना होता है। तो सनस्क्रीन के लिए मैं आयुर का सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। ये टीनेज गर्ल्स, ये जो स्किन केयर रूटीन है मेरी, ये डेली बेसिस पर टीनेज गर्ल्स यूज़ कर सकती हैं। सनस्क्रीन आप चाहे घर पे रहो या बाहर रहो, हर किसी को लगाना ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, जो कि अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। MM का प्राइमर मैं अप्लाई करूँगी अपने फेस पे, टी जोन एरिया पर अप्लाई करूँगी। जहाँ जहाँ मुझे पसीने की प्रॉब्लम होती है, मैं वहाँ वहाँ प्राइमर को अप्लाई कर दूंगी। इसके बाद अगर आपकी स्किन पर पिंपल्स या फिर दाग धब्बे नहीं हैं, तो आप पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं, तो आप पॉन्ड्स बीबी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस क्रीम को मैं डॉट डॉट करके अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। बीबी क्रीम को सेट करने के लिए मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करेंगे। इसका शेड यहाँ पर आप देख सकते हो, मेरी स्किन टोन से मैच करता हुआ है। आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करो चाहे फिर बीबी क्रीम यूज़ करो, अपनी स्किन के मैचिंग के हिसाब से ही यूज़ करना डेली मेकअप के लिए। इसके बाद मैं यहाँ पर मेबलिन का ही एक छोटा सा शेडो पैलेट है, इसकी अगर आप डिटेल्स चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे शेड्स मिलते हैं। ये एक छोटा सा किट आता है, इसका डिटेल्स में रिव्यू मैं आपको हो सकता है इसी वीक या फिर नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। बहुत ही अच्छा आई शेडो पैलेट है, आप इसको हर जगह लेके जा सकते हो। इसी पैलेट से डार्क ब्राउन शेड पिक कर अपनी आईज पे ब्लेंड करूँगी। इसके बाद इसी में से मैं एक बहुत ही लाइट पीच शिमरी कलर पिक करके अपनी आईज पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं मेबलिन का ही मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। मस्कारा मेरा फेवरेट स्टेप है आई मेकअप में। इसी मस्कारा को मैं अपने आईब्रोज़ पर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ये स्टेप आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसा करने से हमारे आईब्रोज़ ना ही ज़्यादा डार्क लगते हैं और ना ही ज़्यादा लाइट लगते हैं। बहुत ही नेचुरल मेकअप, नेचुरल आईब्रोज़ लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगता है। अभी मैं मैलियो का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, जो कि 30 रुपीज़ में आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। इसी से मैं अपना आईलाइनर क्रिएट कर रही हूँ, और बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर है इसका, डार्क ब्लैक, जेट ब्लैक कलर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लाइट है। क्योंकि जितना लाइट लाइट मेकअप करेंगे, उतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्ल लगती है, चाहे वो स्कूल की हो या फिर कॉलेज की हो। तो अब बारी आती है हाइलाइटिंग की। हाइलाइटिंग मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट होता है मेकअप का, और हाइलाइटर के लिए मैं इसी मेबलिन स्मॉल पैलेट से हाइलाइटर शेड पिक करके अपने हाईलाइट एरिया को हाईलाइट कर रही हूँ। इसके बाद बारी आती है ब्लशर की। ब्लशर भी आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टीनेज गर्ल्स रेड या फिर पिंक ब्लश यूज़ करें। आप चाहो तो पीच कलर यूज़ कर सकते हो। अगर आपका स्किन टोन मीडियम है तो आप पीच कलर एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लगता है औरों से। और इसको मैं थोड़ा सा डॉट डॉट करके अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। इसके बाद इसको एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी। ज़्यादा ब्लशर मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। और आपकी स्किन क्लियर हो, अगर आपकी स्किन पे वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, रेड स्किन नहीं है, क्लीन है अगर आपकी स्किन, तो आपका फेस लाइट मेकअप से ही बहुत ही बेस्ट लगता है। ऑल स्किन टाइप्स के लिए मैं बोलूँगी कि लाइट मेकअप ही बेस्ट जाता है। इसके बाद बारी आती है लिप्स की। तो मैं लिप्स के लिए यहाँ पर लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ, जो कि ये भी 30 रुपीज़ में
मिलेगा हमें मार्केट में, जिसका कलर शेड आप देख ही रहे हैं बहुत ही ज़्यादा लाइट लिप्स पर लिप बाम यूज़ किया था, जिसका वीडियो स्किप हो चुका है, सॉरी। सो आउटलाइन करने के बाद मैंने यहाँ पर माई ग्लैम का लिपस्टिक यूज़ किया है, और इसका भी शेड आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा साइलेंट कलर है, लिप कलर है, ना ही रेड, ना ही ब्राउन, ना ही पिंक वगैरह आप देख ही सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि इन प्रोडक्ट्स का रिव्यू मैं अपने चैनल पर डालूं तो मुझे कमेंट कर देना। इसके बाद फिंगर के हेल्प से मैं अपने लिपस्टिक को डैब डैब करके थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि हाईलाइट ना लगे हमारा लिप कलर, और भी ज़्यादा साइलेंस लगे, सॉफ्ट लगे। अब बारी आती है हेयर स्टाइल की, तो टीनेज गर्ल्स के लिए सिंपल सिंपल से हेयर स्टाइल्स ही अच्छे लगते हैं। हेयर स्टाइल के लिए मैंने यहाँ पर एक मैसी सा सिंपल बन बना लिया है, इस पर मैंने एक छोटू मोटू सा क्लिप लगा लिया है। इसके बाद मैं अपने बेबी हेयर्स को एक स्पूली ब्रश की हेल्प से कोम कर रही हूँ। ये जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं इनको आप एक बार ट्राई कीजिएगा स्पूली ब्रश के हेल्प से कोम करके, बहुत ही अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो इसके बाद आप अगर स्पेक्स यूज़ करते हो तो या ब्लैक कलर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और इस तरीके के स्पेक्स भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में अभी से नहीं, बहुत टाइम से ट्रेंड में ही है, और आगे भी शायद हो सकता है ट्रेंड में रहे। सो या जितना सिंपल रहोगे उतने क्यूट लगोगे। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। माय डियर क्यूट गर्ल्स, सी यू सून, बाय बाय।